नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। खबर है कुशवाहा नेता बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी से जुड़ी हुई, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश से बाहर अपने विस्तार में जुटी हुई है। बने रहिए हमारे साथ पूरी खबर देखने के लिए। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी जन अधिकार पार्टी अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद इसी साल होने हैं। पार्टी के संरक्षक बाबू सिंह कुशवाहा ने इस सिलसिले में पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं के साथ चर्चा की। इसके बाद पार्टी के महाराष्ट्र महासचिव फिरोज ए शेख ने बताया कि पार्टी महाराष्ट्र में 50 से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 30 सीटों को प्रभावित करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जन अधिकार पार्टी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी 2022 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बाबू सिंह कुशवाहा ने हाल ही में वाराणसी में पार्टी की समीक्षा बैठक की थी। लोकसभा चुनाव की समीक्षा और बाद के हालात पर चर्चा के बाद बाबू सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को अभी से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले आगामी जिला पंचायत चुनाव में भी जन अधिकार पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।